ఈ సెంటర్లు हाँ आ जाओ मैं आप थैंक यू कह रहे हैं आप क्या लुक है थोड़ा सा क्या ये सही है या इस शो का नाम है बारीक माइक्रो शो में थोड़ा सा लुक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बिल्कुल डिफरेंट है थोड़ा सा ऑडियंस का ये बहुत ही यूनिक सा माइक है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साथ इयररिंग नथ गले का पीस ये बाजू अभी नहीं है बोलते क्या क्या है ये कुछ रिंग्स है ये कमर बंद है इसके बाद ये चुप्पी है ये यूनिक देखा शूट करना चाहूँगा गाइस एक मिनट नहीं चलेगा डाल दिया ना चलेगा पहले ठीक कर लो ना लो लो ना नाला सुपर में सो फर्स्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर द शो थैंक यू सो मच फर्स्ट माइथो शो है कैसा एक्सपीरियंस है किस तरीके का किरदार है क्या कहना चाहेंगे पहला एक्सपीरियंस तो है ये मेरा पहला माइथो शो है और मुझे लगता था कि ये सब टफ होता है पर एक्चुअली उससे कहीं ज़्यादा टफ है आप देख पा रहे हैं मेरा लुक कितना ही अलग है और मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ बालशिव शो में देवी इंद्रानी का जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग है उनके अंदर अपना अलग ही वो होता है ऑरा होता है उनके अंदर क्योंकि वो कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है और माइथु शो की जब बात करते हैं तो लैंग्वेज पर भी काफ़ी ज़्यादा यू नो कमांड रहता है और किस तरीके से बात करना है काफ़ी ठहराव वगैरह ठहराव चाहिए शुद्ध हिंदी चाहिए आजकल तो हम लोग जब नॉर्मल हिंदी में भी बात करते हैं तो उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं तो ऐसे में हिंदी में पढ़ना हिंदी में याद करना बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है पर हाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसकी वजह से डेली लाइफ में हिंदी के हाँ हिंदी में बात करनी स्टार्ट हो गई हूँ और मतलब वही है कि आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हर चीज़ आपको आ जाती है तो अब मुझे हिंदी में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है भगवान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है और इतने हैवी लुक में एक्टिंग करना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है यू नो ज्वेलरीज है इतनी सारी मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि कितना ज़्यादा टफ है थोड़ी देर तक तो ठीक है पर कुछ घंटों के बाद तो बहुत मुश्किल होती है पर हाँ वही है कि कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना है तो ये सब तो करना ही होगा एग्जैक्टली और साथ में इतना क्यूट सा जो कैरेक्टर है आपके साथ में बालशिव मज़ा आ रहा है काम करने में बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आज सुबह ही उससे बात हुई तो जैसे मेकअप रूम में जब आता है जब हम लोगों की मस्ती होती है बहुत ही अच्छा लगता है लास्टली क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स के लिए और क्या कहना चाहेंगे मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि हम लोग ये बहुत ही एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं बालशिव की आप सब अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा इसको देखिएगा क्योंकि आपको बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी शिव जी के बारे में उनके बचपन के बारे में जो अब तक अभी नहीं देखी गई हैं और ये शो आएगा NTV पे रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे थैंक यू सो मच ठीक है शिल्पा 1 मिनट रुक पीछे ले तो ना
ठीक ओ नाइस चलो दोस्त यार ये अरे विशाल भाई रुको शिवाजी लुक यार सेंटर ओके ओके विशाल भाई लाइट का मत कर वादत मैं रेडी हूँ रेडी जी सर तो ऐसे टाउन इधर बोलो नहीं पूरा आ जाएगा यहाँ तक जाओ ना ऐसे आप जल्दी कर लो फटाफट करो हाथ सीधा हाथ सीधा कर दो ऐसे ऐसे करो ऐसे पास में देखो पास करो अपने और पास आन पास हाँ यस आन हाथ नीचे करो नीचे और डाल टाइम में ऐसे करेंगे बिल्कुल राइट हैंड में रखो वेरी गुड हाथ नीचे वाह इज ऑलरेडी किशन लुक इधर कैमरे में लगा ऑल राइट सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपको शो के लिए माइथो शो है किस तरीके का एक्सपीरियंस अभी तक रहा है किरदार प्ले करने का और कैसा चल रहा है सब कुछ कितना मजा आ रहा है सबसे पहले तो शुक्रिया आपका मुबारकबाद देने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत है अभी हमको सबको और शो का शूटिंग शुरू हो चुका है लास्ट 15 डेज से मैंने भी 3 दिन शूट किया अभी तक और बड़ी अच्छी टीम है और कुछ एक्टर्स के साथ तो मैंने पहले से काम कर रखा है जो शिव बने हैं सिद्धार्थ और जो अंधक बने हैं क्रीप सूरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन 10-12 साल से हम दोस्त ही हैं इवन प्रोडक्शन पीपल नो मी वेरी वेल हमने साथ में काम कर रखा है पहले सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट और जितने आर्टिस्ट हैं साथ में सब काफ़ी एक्सपीरियंस हैं तो काम करने का बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है और मज़ा आएगा आपको भी देखने में मज़ा तो आएगा ही आएगा हमें लेकिन इसके अलावा अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कितना चैलेंजिंग है आपके लिए कैरेक्टर को प्ले करना सी कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ इसमें इंद्रदेव का जो स्वर्ग के राजा हैं देवों के राजा हैं देवताओं के सबके और बड़ा अच्छा प्यारा सा करैक्टर है यार बड़ा लवेबल है बहुत अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और महादेव का भक्त तो है ही है और बीच में थोड़ा इसमें थोड़े डिफरेंट शेड्स भी हैं जैसे थोड़ा डिप्लोमेटिक है इसको हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं को मेरा सियासत ना छीन ले कोई और देवता आकर तो उसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कई बार गुस्सा भी करता है कई बार डिप्लोमेटिक चीज़ों को हैंडल भी करता है गलतियाँ करता है तो फिर महादेव से माफ़ी भी मांग लेता है और उनका फेवरेट है तो उसको माफ़ भी कर देते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं सो वैसा है थोड़ा कई बार दिमाग से थोड़ा टेढ़ा भी चलता है इंटरेस्टिंग है मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि यार इंदर आया तो मतलब एक ही तरह का कर रहा है मतलब देयर इज सो मच टू प्ले सो वही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको देखकर मेरे को लगा मुझे करना चाहिए ये तो हुई आपके कैरेक्टर की बात लेकिन अपने लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे कितना मुश्किल हो रहा है अपने इस लुक को संभालना आपके लिए और इतने हैवी कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी को कितना मुश्किल हो रहा है अब इसी क्या होता है जब आप रेडी हो रहे होते हैं ना स्टार्टिंग में तब बहुत होता है और जब काफ़ी टाइम किसी शॉट में बैठना पड़ता है लगातार 1-2 घंटे के लिए ना बीच में कट नहीं होता है तो देन थोड़ा मुकुट की वजह से सर भी दर्द करने लगता है यू नो ज्वेलरी भी चुभती है आपको गर्मी में कुछ और भी फील हो ऐसी इचिंग होती है लेकिन बट वो एक पार्ट ऑफ द गेम है वो मतलब चलता है हर एक एक्टर को वो सफ़र करना ही पड़ता है बट मुझे लगता है जब पूरा रेडी होके जब आप एक बार गेटअप में आ जाते हो ना तो वो जो कौरा वो जो करेक्टर का फील होता है वो कमाल होता है तो उसमें आधी पेन तो वैसे ही भूल जाते हैं बाकी स्टाफ बहुत अच्छा है प्रोडक्शन बहुत अच्छा है चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तैयारी के लिए टाइम कितना लग रहा है आपको टाइम इसी लड़कियों को जरूर ज़्यादा लगता है लड़कों को मेरे हिसाब से कम लगता है बिकॉज मुझे 5 मिनट लगते हैं निकम में और 10-15 मिनट में पूरा रेडी हो जाता है
बाकी अगर बात की जाए कास्ट की, तो एक छोटा सा जो कास्ट मेंबर में एक मेंबर है आपका, जी, वो तो जी. हमने देखा काफी क्यूट है, लेकिन जी. उसके साथ शूट करना आप लोग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, और एक बच्चे के होने से कितना डिफरेंस पड़ जाता है यू नो शूटिंग के अगर बात की जाए? सी डिफरेंस तो सबसे बड़ा यही पड़ जाता है कि बच्चे को आप कमांड नहीं कर सकते ज़्यादा ना, कि आर्टिस्ट को बड़े को आप बोल सकते हो यार फटाफट कर ये कर वो कर, यू नो हमको फटाफट करना है, बच्चे के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके मूड पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होते हैं, इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी या उसको खुश दिखाना आपको, यू नो, तो पूरी टीम को पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो थोड़ा आएगा उसमें कई बार टाइम जाता होगा, लेकिन मेरे को अभी तक उनके साथ काम करने का मौका मिला नहीं है, अभी तक हमारा कोई साथ में सीक्वेंस आया नहीं है, आई होप आगे हो तो मजा आएगा, बच्चों के साथ काम करने का तो मजा आता ही है। ऑलराइट, लास्टली क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए ये यार, सब लोगों ने, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, चैनल ने, एनटीवी ने बहुत अच्छा शो प्रोड्यूस किया है, और सारी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बड़े कमाल से शूट किया जा रहा है हर चीज़ को बड़े लेवल पे, और प्लीज़ आप देखिए इसमें आपको सबसे बड़ी बात, इससे पहले जो भी महादेव के आपने रूप देखे उससे बड़े वाले रूप देखे, अर्धनेश्वर हो गया, रुद्र रूप हो गया, उनके विकराल रूप हो गए, लेकिन ये बचपन की जो उनकी गाथाएं हैं जो शिव पुराण में मेंशन है, ये फर्स्ट टाइम आपको टीवी में देखने को मिलेंगे, सो आई होप आपको पसंद आए, हम सब ने बहुत मेहनत की है, शो को प्यार दीजिए, जितने भी महादेव के भक्त हैं प्लीज़ देखिए, मैं भी भक्त हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, प्लीज़ थैंक यू सो मच। देखिए पोज बहुत जोरदार है, थोड़ा पोज चेंज करते रहिए, थोड़ा और पीछे चले जाइए, हाँ गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चेंज चेंज कर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी शो के लिए, फाइनली यू नो लंबे वेट के बाद आपका भी और फैंस का भी वेट खत्म हुआ है और आप बैक हैं। देखिए पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना से क्या हुआ, फरवरी में मेरा शो ख़त्म हुआ था, मार्च में तो लॉकडाउन ही लग गया था, तो पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मैं जिस चीज़ से खुश हूँ वो तो ये है कि कोरोना भगवान अगर नहीं भी जा रहे तो अब किसी को ना हो, अब कुछ प्रॉब्लम ना हो, अब हमारी दुनिया जैसी थी वैसी चलती रहे, तो मैं तो यहीं पर थी बस, यही सब चल रहा था कोरोना और ये सब चल रहा था, अब जब चला गया है तो हम वापस आ गए हैं। अब कोरोना के दौरान भगवान से प्रे तो किया ही होगा और उसके बाद माइथो शो करना, कितना उस चीज़ को रिलेट कर पा रही है? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि अभी भी मैं ये मानती हूँ कि यू नीड टू बी वेरी वेरी ब्लेस्ड टू गेट दीज रोल्स, और भगवान की दया से जैसे कि मैं कह रही थी मेरी माइथोलॉजिकल की जर्नी पार्वती से कम्प्लीट हुई है। बट यू नो डिफ़िकल्ट होता है, आपके लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस किरदार को? डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि टाइम हो गया था, ऐसा नहीं है कि रोज़ उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, बहुत ही हमारी जनरेशन के तो वैसे ही हिंदी बहुत कम जानते हैं, पर क्योंकि मैं शिमला से हूँ बचपन से मैंने हिंदी बोली है और मैं काफ़ी कम्फर्टेबल हूँ हिंदी के साथ।
तो हिंदी के साथ तो आप कंफर्टेबल हैं ही, लेकिन इस लुक के साथ कितने ज़्यादा कंफर्टेबल? बहुत ज़्यादा. मुझे लगता है कि जब काफ़ी वक्त लगा था यहाँ ये फाइनल होने के लिए, जब और चैनल में है नमिता मैम, जो वन ऑफ द रीजंस है मेरा ये शो करने के लिए, अनिरुद्ध पाठक सर, इन लोगों ने इतने बड़े शोज़ बनाए और इतना सुंदर लिखते हैं, और एक ऐसे शो का पार्ट होना जहाँ पे जो आज से पहले कभी बना नहीं है, लोगों ने सोचा भी नहीं है, तो वो खुद में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. और जब मुझे लुक बताया गया कि ये वो वाली पार्वती है जो अभी अभी शादी करके आई है, तो हमारे शो की पार्वती अभी शादी करके आई ही हैं, अभी ह्यूमन हैं, अभी उनको पता भी नहीं है कि उनके पास कितनी पावर्स हैं, क्या है, धीरे धीरे करके उन्हें पता लगता है. तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत ही ब्राइट पीच पिंक्स और बहुत ही प्रिंसेस वाइब्स हैं. तो कितना देर लग रहा है रेडी होने में? 1.5 से 2 घंटा लगता है, क्योंकि मेकअप और इसमें इतना टाइम नहीं लगता, पर ज्वेलरी और अल्ता और उसमें बहुत टाइम लगता है. और क्यूट से एक मेंबर भी है आपके कास्ट में, उनके साथ कितना एंजॉय करेंगे शूट का? मैं पार्वती हूँ और हमारे बाल शिव हैं, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहली बार मेरे को एक्टर बाल शिव हैं, तो कैसे बताऊँ उनको कैलाश पे चलो, कैलाश छोड़कर आ गए हो. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत प्यारे हैं, मैंने प्रोमोज देखे हैं. मैं वही कह रही हूँ सबको, ये बोलने के लिए नहीं है, अगर मैं नहीं होती है शो का पार्ट भी, तब भी मैं देखती है. तो आप प्लीज़ बाल शो देखिए, 31 अगस्त से आ रहा है एन टीवी पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले तो आप जिस तरीके की केमिस्ट्री की अभी तक बात कर रहे थे, वो केमिस्ट्री हमें ऑलरेडी दोनों के अंदर देखने मिल रहा है, दोनों के बीच में कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों एक साथ, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. आप देख ही रहे हैं, देखिए मजा आ रहा है. और वैसे तो हमने शायद 2 ही दिन साथ में शूट किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 साल से जानते हैं, सो विच इज वेरी गुड. एज एन आर्टिस्ट दोनों का आपस में कम्फर्टेबल होना बहुत जरूरी है, और किरदार भी ऐसा ही है, दोनों एक दूसरे से दोनों को बहुत प्यार करते हैं. मैं इनकी हर डिमांड पूरी करता हूँ, इनके हर स्टैंड के साथ खड़ा रहता हूँ. कुछ कहने से पहले ही चीज़ें आंखों के सामने होती हैं, इतना इंद्रा और इंद्रानी का ऐसा प्यार कि मतलब बस कहने की भी ज़रूरत ना पड़े. और उन्होंने प्यार की बात की ही है, तो दोनों अपने अपने कैरेक्टर के बारे में बता दें, नहीं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज रहेंगे कि मतलब किस तरीके की जी की जी. मैं प्ले कर रहा हूँ इंद्रदेव, और ये मैं प्ले कर रही हूँ इंद्रानी, तो राजा रानी है दोनों, और स्वर्ग में एंजॉय करते हैं, अप्सराओं का डांस देखते हैं. ये तो चलो मस्ती होगी, लेकिन मतलब दोनों का आपस में काफी अच्छा रिलेशन है. शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, कितना एक्साइटिंग लगेगा ये शो और क्यों इतना एक्साइटिंग लगेगा? कमाल लगेगा जी. सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले कभी भी महादेव के बाल रूप को कभी दिखाया नहीं गया टीवी पे. आपने कहानियां सुनी जरूर होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन कभी फिल्माया नहीं गया उनको. इट्स फर्स्ट टाइम कि एन टीवी ने इतना अच्छा एफर्ट किया है, ये सब कहानियाँ लोगों तक लेके आ रहे हैं, ताकि नई जनरेशन को भी ये सब चीज़ें देखने को मिले. सो विच इज़ वेरी गुड, ये सबको पता होनी चाहिए, और बड़ा मजा आने वाला शो देख के. दोनों एक दूसरे से सीख क्या रहे हैं? प्यार करना. ओके, बिसाइड्स दैट यू नो, आप बताइए किस तरीके की तैयारी आपने की है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? तैयारी तो होती ही है, क्योंकि जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो प्ले करना मुश्किल हो जाएगा. तो पहली बात तो मैंने अपनी हिंदी पे वर्क किया है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क किया है. जो इंद्र और इंद्रानी का जो ऑरा है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि राजा रानी है तो उस तरीके से आपकी चाल में, आपके बोलने के तरीके में वो दिखना चाहिए. तो बस उसी पर वर्क किया है, और कोशिश की है कि बस उस कैरेक्टर के साथ हम जस्टिस कर पाए. और राजा रानी के इस गेटअप में आने में कितना वक्त लग रहा है, और कितनी मुश्किल हो रही है इस गेटअप में आने में? मुझे देखिए इनको ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीजें हैं. मुझे 10-15-20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट समझ लीजिए. हाँ, मुझे 15 मिनट तो अल्टा में ही लग जाता है, फिर ये सब गेटअप मुझे लगता है 1.5 आवर रेडी होने में. वैसे भी तैयार होने में टाइम लड़कियों को लेना चाहिए, लड़कों को नहीं. ये सही है, इतना हैवी कॉस्ट्यूम है आपका, ज्वेलरी है, तो वो थोड़ा बहुत थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जाते हैं, बट इट्स फाइन. लास्टली क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स के लिए, आप लोगों के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए ये कहेंगे, यार अभी इस बार एक अलग रूप में आए हैं, स्वर्ग के राजा हैं भाई, तो देखो हमको. और सबसे बड़ी बात यार, शो बहुत अच्छा बना है, और शो में काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने के मिलने वाली हैं, जो मैथोलॉजिकल कहानियाँ शिव को लेकर, बाल रूप को लेकर,
देखिए, बहुत मजा आने वाला। पूरी टीम ने कमाल की मेहनत की है और हम दोनों को तो देखेंगे तो आपको मजा आने वाला है ना। सो ये एन टीवी पे रात्रि 8 बजे मंडे टू फ्राइडे 31 अगस्त से आने वाला है। सो प्लीज वॉच इट, आपको मजा आएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। एंड जी आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ और ऐसा किरदार करने का मौका मिला जो हम सबके नसों में बसा हुआ है। मैं काशी का रहने वाला हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, और जब मुझे शो का ऑफ़र भी आया तब भी मैं बनारस में था। और बनारस हम सब जानते हैं शिवजी की नगरी है, तो मैं तो पला बड़ा हूँ शिवजी की नगरी में, उनके साये में। तो वो किरदार करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और जैसा आपने कहा कि आप पहचान नहीं पाए, तो मुझे लगता है एक एक्टर का एक ट्रू मार्क वही होता है कि जब आपको लोग आपके किरदार से जाने और जब आपको लोग पहचान ना पाए जब आप उस किरदार से बाहर आए। हाउ मच चैलेंजिंग टू प्ले शिवजी का किरदार, क्योंकि काफ़ी शोज हो चुके हैं जी और काफ़ी लोगों ने काफ़ी एक्टर्स को जी कैरेक्टर में देखा है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है शिवजी को प्रेजेंस? जी मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह है कि जब आप शिव भगवान का किरदार प्ले कर रहे होते हो तो वो उसके दो चैलेंज हैं। एक तो वो भगवान है और दूसरा काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एक्टर्स ने वो किरदार किया है। तो जब आप भगवान का किरदार प्ले कर रहे होते हो तो एक सेट धारणाएं हैं लोगों की, वो आप ब्रेक नहीं कर सकते। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत दायित्व वाला एक कैरेक्टर है। और दूसरा कि बाकी लोगों ने भी, कई लोगों ने किया है, बहुत सारे एक्टर्स ने किया है, तो मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात कि हमारा जो शिव है इस शो में, वो बहुत रोमांटिक है, बहुत कंपैशनेट है। और मैं शिव जी की नगरी में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मैंने जर्नी के लिए, इंस्पिरेशन के लिए अपने बाहर नहीं गया, मैं अपने अंदर गया। अपने अंदर जितना मैं जा सकता था, एक प्लेस ऑफ कामनेस में जा सकता था, शिव जी को खोजने का प्रयास कर सकता था, तो वो सब मेरा प्रयास जारी है और वही मेरी कोशिश है। कहानी भी यूनिक है, बाल शिफ्ट बिल्कुल आज तक शायद टेलीविजन। जी जी, क्या अबाउट दिस जी? हमने काफ़ी भगवानों के बचपन देखे हैं, लेकिन शिव जी का बचपन अभी तक टेलीविज़न पर हमने नहीं देखा है, और ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा है। तो वो टेलीविज़न पर पहली बार है और एक बहुत टैलेंटेड टीम है जो इसे बना रही है, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं, कास्ट एंड क्रू है जो इसे बना रहा है, तो वो एक दर्शकों को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। जी शिव्या का मैंने परफॉर्मेंस पहले देखा है और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत उम्दा काम करती हैं, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ जितना हमें काम करना है मज़ा आ रहा है, उतना लोगों को देखने में भी हमारी जोड़ी अच्छी लगी। मैं अपने फैंस से ज़्यादा शिव जी के भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जब इसे देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल नया अनुभव होगा जो हमें करते हुए भी हुआ। तो आप इसे देखें और अपना प्यार हमें दें, अपना स्नेह हमें दें, और हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक अपना अच्छा काम पहुंचाने की। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये क्यूटी के साथ में आपका बॉन्ड ऑलरेडी नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों काफी एंजॉय कर रहे हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? अच्छा। कैसा लग रहा है इनके साथ काम करके? और कितना एक प्रेशर होता है जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, बिकॉज यू जस्ट कैन कमांड देम। एब्सोल्युटली वो एक होता है, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डिलीवरिंग एट हिज एज ऑल्सो। हम चाहते हैं हमसे भी इतना डिलीवर करना चैलेंजिंग हो जाता है, सो टू एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर दैट इज, एंड हाउ मच एवर वो कर रहा है इस उम्र में, विच इज़ एक्सट्रीमली कमेंडेबल। तो आप बच्चों के साथ आप समझते हो, कई बार आप थक भी जाते हो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट देन यू अंडरस्टैंड एंड देन ही कम्स अप विद सम स्माइल एंड सम लाइन एंड देन यू फील लाइक And also, if when you are playing Maitho, आप जब Maitho
शो में काम करती हैं तो एक बर्डन होता है, काइंड ऑफ कैरेक्टर का बर्डन होता है उसे प्ले करने का, किस तरीके की तैयारी की है, अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये जो हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, दे आर अ वेरी गुड टीम फॉर माइथो, दे आर द वंस हु मेड महादेव, सो दे नो एंड अंडरस्टैंड. इनके साथ हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, ही हैज़ ऑल्सो डन लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड हमने मॉक शूट्स किए, काफ़ी सारे लुक टेस्ट बहुत सारे किए, उसके बाद वी केम टू दिस. तो वो करते करते भी हमारी काफ़ी बॉन्डिंग हो गई, बिकॉज आई थिंक फॉर मंथ्स वी हैव बीन वी आर मीटिंग ईच अदर बिफोर द शूट फॉर दिस थिंग, बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट द सुर राइट. और वो एक तरह से पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यू नो फॉर अ किड लाइक व्हाट यू सेड, हम बच्चों को बड़ों के जैसा नहीं कर सकते कि आज हम आए चलो स्टेज में आप लाइन बोलो वो लाइन बोलो कर ले तो. वहाँ पे भी हम कर लेते हैं, बट रियल जो एक ऑर्गेनिक चीज़ है वो आपको दिख जाता है. जो मुझे बहुत लोगों ने कहा, इवन हिज मॉम वॉज ऑल्सो टेलिंग मी प्रिया, के प्रोमो में भी पीपल वर सेइंग के यू नो जिस तरह से वो आके भागता है, बट दैट इज़ व्हाट ही एक्चुअली डज सेट पे भी नॉर्मली. तो यू नो इट कम्स. पर यू नो टॉकिंग अबाउट यू, आपके फैंस के लिए कितना यू नो शॉकिंग रहेगा आपका इस किरदार को प्ले करना, या फिर आपका आपके लिए कितना शॉकिंग? तो नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, सो ये एक अलग, दिस माई सेकेंड माइथो, सो दिस इज़ अ वे मोर रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर. बट आई एम श्योर अगर हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से जो पूरी टीम के साथ हम मेहनत करके कर रहे हैं, अगर उन तक पहुँचे तो आई एम श्योर उन लोगों को अच्छा लगेगा और वो लोग हमें प्यार देंगे. कहानी नहीं है, क्या नया जानने मिला है इस कहानी के ज़रिए? कहानी के ज़रिए जो ये जो एक एस्पेक्ट है, शायद कहीं हम शास्त्रों में मेंशन है, बहुत जगह पे है, बट हमसे कहीं ये हमने सीरियल में आज तक कभी उतना टैप नहीं किया. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर टैपिंग, जो महासती अनुसुईया उन्होंने त्रिदेव को प्राप्त किया था, एंड जो उनका हस्बैंड है अत्रि, ही इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, पायस, स्पिरिचुअल, सो बीइंग ह्यूमंस देवर पावर्स वर इमेंस. सो इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन यू प्ले अ कैरेक्टर, क्योंकि लोगों के मन तक वो लेके जाना, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए? हम ऑडियंस को ये कहना चाहेंगे कि हम 31st से 8 बजे एन टी वी में आ रहे हैं, हमें आप देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए. क्यूटी को क्या कहना है? कुछ नहीं. थैंक यू, थैंक यू. ऑलराइट, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी शो के लिए. नई स्टोरी है, अभी तक ऑडियंसेस ने देखी नहीं है, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टोरी से, अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी ये शिव पुराण का एक अध्याय है और शिव गाथा है, और बाल शिव जो भगवान शिव जी ने जो बाल अपना जो रूप लिया था, ये उसके पीछे पूरी की पूरी कहानी है. और मेरा जो किरदार है उसका नाम है अंधक, जो शिव जी का ही एक अंश है और पार्वती का बेटा है, और पार्वती से प्यार कर बैठता है और पार्वती से शादी करने की इच्छा है उसके अंदर, उसके मन के अंदर वो जागरूकता है, वो जागरूकता है कि मैं शादी करूँगा पार्वती से. और असुर प्ले कर रहा हूँ, अंधा भी है, और बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कमाल की चीज़ है. सो आई थिंक जब एक कहानी के अंदर कुछ किरदार हीरो और हीरोइन तो होते ही हैं, बट अगर जो नेगेटिव होता है अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, उसके अंदर थोड़ी सी अलग सी चीज़ें हों, तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट होता है कहानी के अंदर. मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से इसको परफॉर्म कर पाऊँगा, कितनी अच्छी सपोर्ट बन पाऊँगा, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं जिस तरह मैंने अब तक काम किया है, अब तक जितने भी शोज़ किए हैं, और मैंने पूरी शिद्दत से काम किया है, और इस शो को भी मैं पूरी शिद्दत से करूँगा, क्योंकि कैरेक्टर इज़ वेरी अमेजिंग. नॉट एट ऑल, मैंने तकरीबन आई थिंक मेरे करियर का आई थिंक 7 शो के बाद मैंने पहला एज अ हीरो यू नो रोमांटिक लव स्टोरी जो मैंने की थी एकता कपूर बालाजी कलश, वो था सुपर डुपर हिट. उसके बाद फिर से मैंने जीत गया तो पीएम वगैरह किया, फिर दुर्योधन किया, सावित्री किया, मतलब आई हैव डन. सो आई थिंक इट्स आवर जॉब भाई, 9 to 5 नौकरी कर रहे हैं हम लोग, पैसे कमा रहे हैं और कुछ नहीं है. पैसे मिलते हैं हमको, आते हैं भाई पैसे मिलेंगे तो कुछ भी करेंगे, बिकॉज हम लोग हैं मनोरंजन करने के लिए आए हैं, मनोरंजन करते रहेंगे, दुनिया को अच्छा लगता है जिस रूप में उनको देखना मुझे अच्छा लगता है, मैं वो हर रूप जो है वो प्ले करूँगा. और आपकी कोई वेब सीरीज आ रही है उसके बारे में?
Yeah, there's one. Recently, I just did the debut for. I can't disclose the OTT platform, but it's a very big OTT platform which I did it. And Nishant Balkani, Iqbal Khan, Kiran Kumar, Kashish Rai, Siddharth Bhardwaj, Delhi Crime में थे, वो मेरे पिताजी बने हैं. So yeah, वो अभी करके आया हूँ मैं. और नवंबर दिसंबर आई थिंक नो रिलीज़ है. और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा पहला OTT प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा ब्रेक है मेरे लिए. सो पहला सीज़न हमने ख़त्म कर दिया है. उद्धमगढ़ नाम है उसका. और जस्ट कीप प्रेइंग यार कि वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे रॉक हो जाए और थोड़ा सा यू नो. सो आई जस्ट वांट दैट यार. जस्ट आई विल जस्ट से जस्ट कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग मी एंड कीप praying for me, because aap hain to main hu, aap nahi to main kuch bhi nahi. So keep praying for me. Thank you so much. Thank you.